दरगाह थाना अंतर्गत झालरा क्षेत्र में रहने वाले सलमान चिश्ती ने दरगाह थाने में अपने ही नौकर पर 3.5 लाख रुपए चोरी का मुकदमा दरगाह थाने में दर्ज कराया है। मकान मालिक की रिपोर्ट पर दरगाह थाना पुलिस ने नौकर की तलाश शुरू कर दी। झालरा निवासी सलमान चिश्ती ने बताया, उन्होंने मेघालय निवासी वसीम को 3 महीने पहले घर के कामकाज के लिए रखा था। इसी बीच सलमान चिश्ती को निजी काम के लिए विदेश जाना पड़ा और परिवार वाले भी घर से बाहर गए हुए थे। शातिर नौकर ने इसका फायदा उठाते हुए घर की अलमारी में रखे 3.5 लाख रुपए चुरा लिए और फरार हो गया। देखिए, कल जब मैं वापस आया मोरक्को और दुबई से कॉन्फ्रेंसेस के बाद, तो जब अपने घर पहुंचा अपने पर्सनल बेडरूम में, तो बालकनी की खिड़की मुझे टूटी मिली और जो मेरा पर्सनल कबर्ड था वहाँ पे वो खुला मिला और उसमें कुछ पैसे थे वो गायब मिले। और 3 महीने पहले एक लड़का हमने रखा था मोइनुल वसीम नाम का, जो असम का कहीं था, उसके आईडी के मुताबिक वो 4 दिन से गायब बताते हैं यहाँ पे। तो उसके FIR तो हमने करवा दिए, लेकिन मैं मीडिया के माध्यम से सबसे यही कहना चाहूँगा कि जो भी नए या पुराने काम करने वाले लोग हों, वो अक्सर हम मुतमईन हो जाते हैं, सेटिस्फाई हो जाते हैं उनकी आईडी अपने पास रख के, लेकिन अपने थाना क्षेत्र में उसको रजिस्टर नहीं कराते हैं, जो गलती हमसे भी हुई। तो आप सबसे यही अपील है कि जो भी आपके काम करने वाले हों, उनकी आईडीज आपके लोकल थाना में ज़रूर उसको रजिस्टर कराएं, ताकि इससे प्रशासन को और पुलिस को भी मदद मिले ऐसी वारदात रोकने से, और आप भी महफूज रहें इंशाल्लाह। दरगाह क्षेत्र में झालरा पे रहने वाले चिश्ती मंजिल के श्री सलमान चिश्ती ने कल एक रिपोर्ट पेश की है कि वह खुद विदेश गया था, उसके परिवारजन पत्नी पीर गई थी, अन्य परिवारजन ईद मिलाद नबी के बाद में दूसरी जगहों पर गए थे। पीछे से नौकर था जो मेघालय का रहने वाला है, फिर पीछे से था घर पे, उसने घर का मेरे के 3.5 लाख रुपये निकाल के ले गया, जो अभी वापस आया तो मिला भी नहीं है। जिसके संबंध में उनको मेघालय का रहने वाला ही उसकी जानकारी है, बाकी पूरी जानकारी है नहीं कि न तो उसकी आईडी है न और है। इसमें कहने के बाद उनमें यहाँ दरगाह क्षेत्र में लोगों में एक प्रवृत्ति है कि वो उसके नौकर को वेरिफिकेशन नहीं करवाते हैं, जिसके कारण से इस तरह की घटना होती है। घटना के संबंध में प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। और स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।